हाय दोस्तों, T4 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप अपने मोबाइल में सेव नंबर को या फिर अपने कॉन्टैक्ट में सेव नंबर को आप डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और सीख लेते हैं कि ऐड नंबर हम डिलीट कैसे करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन से। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन में कॉलर का आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पर ये देखिए कॉलर वाला आइकन, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप कॉलर वाला आइकन में क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से पेज खुलता है। यहाँ पे पेज रहता है जहाँ से आप किसी को भी कॉल लगाते हैं, बट हमें कॉन्टैक्ट को डिलीट करना है। तो ये जो कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन है, जो आपने नंबर यहाँ पर ऐड करके रखा है कॉन्टैक्ट्स में, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जिस भी नंबर को आपको डिलीट करना है, उस नंबर को यहाँ पर सबसे पहले तो आपको सर्च करना है। तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट्स लिखा हुआ है, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ पे सर्च करना है। फॉर एग्जांपल, मैं इस बंदे का नंबर को डिलीट करना चाहता हूँ, तो चलिए हम ये वाला नंबर इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो इसमें क्लिक करेंगे जो भी नंबर आप डिलीट करना चाहते हैं। अब ये नंबर हम डिलीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना है, आपको ऊपर में 3 डॉट बने हुए हैं, ये 3 डॉट इसमें आपको यहाँ पर ऊपर में क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सेकेंड नंबर पे ऑप्शन मिलता है डिलीट कॉन्टैक्ट्स का, तो इसमें आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप कॉन्टैक्ट करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि डिलीट इस कॉन्टैक्ट को आप डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, इसमें एक बार और आपको क्लिक कर लेना है। ये देखिए डिलीट कॉन्टैक्ट सक्सेसफुल हमारा हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 नंबर हमने ऐड करके रखा है फारिक नाम से, और 1 4 नंबर था तो 1 डिलीट हो गया। तो दोस्तों, इस तरीके से अपने कॉन्टैक्ट नंबर को डिलीट कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट।